शहीद गोवर्धन टिकपति बावरी, जिन्होंने चुआड विद्रोह के प्रथम नेतृत्वकर्ता रहे। चुआड विद्रोह 1753 से लेकर 1816 तक रहा। चुआड विद्रोह को याद करते हुए अपनी हक और अपने अधिकार को पाने के लिए बावरी समाज एकजुट होकर आज दिनांक 26 जून 2024 को शासन बेड़िया मोड़ में केंद्रीय सचिव के उपस्थिति एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि धनबाद जिला कार्यालय का उद्घाटन दिनांक 30 जून 2024 समय रविवार सुबह 10 बजे शासन बोड़िया मोड़ निरसा प्रखंड में की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक माननीय श्री रंजीत बावरी उपस्थित रहेंगे। आज के बैठक में उपस्थित केंद्र सचिव वरुण चंद्र बावरी, जिला अध्यक्ष रंजीत बावरी, जिला सचिव रामकृष्ण बावरी, जिला कार्यकारी अजय बावरी, कलियासोल प्रखंड प्रभारी पप्पू बावरी, समाज प्रेमी आसानलिया सीमांतो बावरी, निरसा प्रखंड डांगापारा समाज प्रेमी सूरज, राहुल, देवाशीष, विधान बावरी मौजूद थे। समाज के बारे में विशेष चर्चा हुआ। सभी समाज से जुड़े सभी समाज प्रेमी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना उपस्थिति दर्ज करके कार्यक्रम को सफल बनाए। आज हम लोग का जो राष्ट्रीय बावरी संघर्ष मोर्चा है, जो झारखंड सरकार से रजिस्टर्ड एक संगठन है, आज उसका प्रथम जो है धनबाद जिला कार्यालय का अनावरण हुआ है। और आज जो पूरे धनबाद जिले में बावरी समाज का जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का इस कार्यालय में आकर रखेंगे, चाहे सामाजिक हो, चाहे शैक्षणिक हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे भाषा से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो, इस कार्यालय में आकर सभी समस्याओं का निदान हम लोग करेंगे और अपने समाज को संगठित और जागरूक करने का काम करेंगे। आज हमारे धनबाद जिला कार्यालय शासन बरिया मोड़ में इसका उद्घाटन हुआ है। और विशेष रूप से यहाँ कार्यालय बनाने का मतलब जो भी समाज के जो भी छोटा छोटा बात हो, समस्या का निदान किया जाएगा। इसमें बहुत सा ऐसा समाज का जो बोली थी उस पर भी हम लोग बात विचार या रखेंगे, किसी तरह इसको जो है निष्पक्ष बढ़िया काम करने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य से जो है समाज का ये जिला कार्यालय खोला गया है और हम लोग हर गाँव हर टोला में जो है प्रत्येक सप्ताह जो है हम लोग इस कार्यक्रम को बढ़ाते रहेंगे प्रत्येक हरिजन टोला में। हम यही चाहते हैं कि निरसा में हमारा दोबारा ऑफिस ना बावरी समाज का हम लोग ओपनिंग हो रहा है, जो शासन बेड़िया में हम लोग का द्वितीय बार है। दूसरी बात है, हम यही संदेश मेरा समाज को पहुंचाना चाहते हैं कि मेरा जो मूल हम लोग का जो इतिहास है उसको हर गांव में मैंने गूंज होना चाहिए। और समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि जितना भी हमारा समाज प्रेमी है, हम लोग एकजुट होकर के निरसा को हम लोग को भूल बजाना है। हाँ, मैं ये बोलना चाहते हैं कि हमारे आज जो छोटे बड़े भाई लोग आए हैं और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं हमारे यहाँ, दुआएं हैं, जुटे हैं समाज में, बावरी समाज में, तो हमको यही कहना है कि समाज का आदमी कोई भी कोई पार्टी में जा रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है हम लोग समाज का। लेकिन हम लोग समाज को एकजुट होकर जो भी काम पड़े वह डट कर लड़े, मेरा यही कहना है बावरी समाज के पार्टी से। और मैं इसके लिए सब छोटे बड़े को आदरणीय लोग को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम इन लोग स्वीकार करें और एकजुट होकर काम करें ताकि हमारे बावरी समाज आज ऊंचा उठे, आगे बढ़े, ऊंचा उठे। शहीद सरदार गोवर्धन टिकपति बावरी अमर रहे। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।